नमस्कार मंत्र शक्ति प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी अपने आप में स्वयं एक क्रिटिकल स्टेज है, ऐसे में डेंगू का हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेंगू हो जाता है तो इसे गंभीर स्थिति में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इस दौरान महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसके इलाज के लिए महिला को अस्पताल तक में भर्ती होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसके कारण कम वजन का शिशु पैदा होता है और दूसरी भी जटिल समस्या पाई जा सकती है। अधिकतर रिसर्च में पाया गया है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था में डेंगू की समस्या होती है उनकी प्लेट अवश्य गिरती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि डेंगू होने पर शिशु को नुकसान हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि महिला के गर्भ में शिशु की सुरक्षा के काफ़ी सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी शिशु को इनसे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। एक छोटी सी बात यह है कि अगर महिला के शरीर को नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा सा असर उसके शिशु पर पड़ता है, क्योंकि महिला के शरीर से ही शिशु सारे पोषक तत्व और उस पर आत्मनिर्भर रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चे को नुकसान होता है। अगर किसी गर्भवती महिला को डेंगू हो जाए उसका कोई घरेलू उपाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितनी जल्दी हो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है और डॉक्टर प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए उसको उचित इलाज देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वह सावधानी रखें जिससे डेंगू की समस्या ना हो। हम इस पर चर्चा करते हैं। ठंडे स्थानों पर रहें, क्योंकि ठंडे स्थानों में डेंगू के मच्छर नहीं बनते। ठंडक प्रेगनेंसी के लिए भी फायदेमंद होती है। मच्छर नहीं काटे इसके लिए महिला को मच्छरदानी का प्रयोग करना सर्वोत्तम माना जाता है। मच्छर को भगाने के लिए किसी भी बाजारू प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जो आजकल बाजारों में मिलते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। भले ही इसमें किसी प्रकार की सुगंध क्यों ना आ रही हो, अगर आप अपने खिड़की दरवाजों पर जालीदार दरवाजों का इस्तेमाल करेंगे तो यह सर्वोत्तम रहता है, और जितना हो सके इन जालीदार दरवाजों को बंद रखें। और डेंगू के मच्छर से बचाव के लिए कहीं भी घर में पानी को जमा ना होने दें। अगर पानी जमा है तो उसे बदल दें, अगर बदलना संभव नहीं है तो उसमें तेल या पेट्रोल डाल दें। यह डेंगू के लक्षणों से बचाव का प्रमुख कारण होता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।